अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं वकार हुसैन पाशा ब्लॉग, और मैं हूँ वकार हुसैन पाशा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं टीचिंग करता हूँ, तो बहुत सारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं, मुझसे आइडियाज़ लेते हैं कि हम भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल बिल्कुल बनाना चाहिए, मोस्ट वेलकम सब के लिए। मैं कहता हूँ कि सबका एक अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ फील करते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, यू शुड मेक योर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग आपको जो है ना रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप यूट्यूब चैनल ना बनाएं। बहुत सारी जगहों पर प्रोफेशनलिज्म, जहाँ पर आप मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं कि आपके यूट्यूब चैनल ना हो, आप यूट्यूब चैनल रन ना करें। तो अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो बहुत सारी सेक्शंस होती हैं। जो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो है वो अपडेट होती रहती हैं। उन पॉलिसीज़ को मद्देनजर रखना होता है, और सबसे अहम चीज़ जो पॉलिसी होती है जिसके बाद आप रनिंग करना शुरू करते हैं, यानी अर्निंग शुरू करते हैं फॉर्मली, वो ये होता है कि 4000 वॉच आवर्स आपके और 1000 सब्सक्राइबर जो है आपके होने चाहिए। अच्छा, मेरे साथ जो अलविदा हुआ, जिस वजह से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि सर आपका तो चैनल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और आपके जो है वो चैनल्स के ऊपर ऐड क्यों नहीं चल रहे मोनेटाइजेशन की वजह से। तो सबको बताता चलूँ कि भाई एक छोटी सी गलती की वजह से जो है ना लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। वो नुकसान किस तरह हुआ कि जब आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपकी यूट्यूब की पॉलिसी इस तरह मैंने बताई कि 4000 घंटे और 1000 जो है वो चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर मौजूद होने चाहिए, वो मेरे यकीन हो चुके थे। अच्छा, वो जब मैंने अप्लाई किया यूट्यूब के ऊपर उसको कि भाई मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए, तो उन्होंने मोनेटाइज करने के लिए पूरा उसको एक प्रोसेस होता है जिसके तहत वो चैनल गुजरता है। तो जब वो चैनल प्रोसेस के तहत गुजरा और यूट्यूब ने जो इनकी निज़ामिया है उसने उसको पूरा चेक किया, तो वहाँ पर कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने उसको मोनेटाइज नहीं किया। अब ये इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि मैं हर एक चैनल के जो छोटे और यंग यूट्यूबर्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ। वो अपने कान खोल कर सुन लीजिए उसको, हाथ जोड़ के मैं उनसे ये जो है ना वो कहता हूँ उनको, या मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि भाई ये काम आप लाजमी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ना करें, जो मैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है भाई। अच्छा, जब यूट्यूब चैनल मैंने बनाया तो फन में बना दिया था। डेफिनेटली बहुत सारी जो वीडियोज़ पुरानी पड़ी हुई थी ज़िंदगी में, हमने मोबाइल के अंदर शूट किया था कभी इधर उधर जाते हुए, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी थी उसके अंदर। अपलोड करते गए कुछ पॉलिसीज़ हमें पता थी, हमने वो पढ़ ली, कुछ पॉलिसीज़ हमने नहीं पढ़ी। उस यूट्यूब के अंदर एक पॉलिसी है कि उस पॉलिसी के मुताबिक आप किसी भी ऐसी वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ज़रिए से, जिसके प्रोसेस है कि जिसके अंदर ऑलरेडी ऐसी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते कि जिस वीडियो को पहले ही किसी भी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जा चुका है। अगर डायरेक्ट आप अपलोड नहीं कर सकते, अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है जिसके तहत आपने उसको उसके रिएक्शन वीडियोस बना सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है वो उसको थोड़े सेगमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ के हवाला देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए। वो भी आप साइड पर छोटी सी वीडियो चलाते हैं, जैसे यहाँ पर एक वीडियो चला सकते हैं आप, या अपने आप बिल्कुल यहाँ नीचे वीडियोज चला सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तो आपके भाई ने जो है ना बहुत भंड मार दी है चैनल के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस ऐसे अपलोड कर दी जो कि हमारी थी ही नहीं, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं था भाई। तो यूट्यूब वालों ने बोला भाई ओ भाई ओ किधर जा रहा है, कैसे क्या कर रहा है भाई। तो यूट्यूब के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया और आपको पता है कि आपने जो है वीडियोस उसी चढ़ा दी, तो उन्होंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया और उन्होंने सेक्शन लगा दी और वो सारा सीन ऑफ हो गया। तो अब चैनल तो चल रहा है, चैनल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कहते हैं कि अब आप दोबारा से उसको प्रोसेस करें, हमारी वीडियोस चल रही हैं, मेरी वीडियोस माशाल्लाह बहुत सारे लोग देख रहे हैं, 10,000-7,000 तक चली गई हैं, लेकिन अभी मोनेटाइज नहीं हो सकता। अब इसके लिए पूरा एक थॉरली मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, और तकरीबन मैं रिव्यू कर चुका हूँ इसके ऊपर। अब कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो कि फॉर्मली अपलोड हुई हुई हो कहीं से पहले से, ठीक है। तो अब अगर इसके बाद दोबारा से एक टाइम उन्होंने दिया कि इस टाइम फ्रेम के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, 3 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दोबारा अगर कुछ इशू हुआ तो फिर उसको चेक करेंगे, और लास्ट एक दफ़ा और इशू होगा तो फिर उसको चेक करेंगे। अगर चैनल मोनेटाइज होता है ठीक है, नहीं होता तो अल्लाह खैर सल्लाह, कोई मसला नहीं है, दूसरा चैनल बना लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जब आप जितने भी मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, चाहने वाले मेरे स्टूडेंट्स जो ये चाह रहे हैं कि वो अपने चैनल्स बनाएं,
तो आपने कभी भी कोई भी रीयूज मटेरियल अपलोड नहीं करना है, और कोशिश ये करनी है कि अगर आप किसी और का मटेरियल उठाकर अपने चैनल पर डालेंगे तो आपको चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, और हो सकता है आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम भी आ जाए, और जब कॉपीराइट क्लेम आता है तो फिर चैनल बंद भी हो सकता है। तो मेरा चैनल माशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं था कि इस पर कोई कॉपीराइट क्लेम आया हो, कॉपीराइट क्लेम नहीं आया, लेकिन रीयूज मटेरियल की वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मेरा लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया। हो सकता है कि अगर आपके भाई का उस वक्त मोनेटाइज हो जाता, अगर वो बिल्कुल चैनल से होता, तो करोड़ों डॉलर जो है वो मैं कमा चुका होता। तो भाई अभी घंटा कोई भी डॉलर नहीं कमाया, तो मेहनत करते रहो और सपोर्ट एक दूसरे को करते रहें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट लाजमी करें, और एक दूसरे की वीडियोज़ देखते रहें, और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो अभी जो नए लोग इसको देख रहे हैं तो उन सबसे गुजारिश यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो कि अपना चैनल रन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर फॉर योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, अस्सलाम वालेकुम, चाओ।